नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है बंसी वाले की रसोई। आज मैं बच्चों का मनपसंद व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। हम पास्ता उबालने जा रहे हैं। मैंने कढ़ाई में पानी रख लिया है, अब इसमें मैं ये पास्ता डालूंगी, एक कटोरी, और थोड़ा सा नमक। मैंने ये आटे वाला पास्ता लिया था, आप दूसरा भी ले सकते हैं। हम इसमें सब्जियां डालेंगे, वो ये हैं कॉर्न, ये मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और दो तीन मशरूम जो मैंने काट के रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने कढ़ाई रख लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा ही बटर। हम तेल इसलिए डालते हैं ताकि बटर जले ना। अब हम इसमें जो हमने लहसुन चॉप करके रखा था उसमें से आधा डालेंगे और मशरूम इनको सॉटे करेंगे। अब इसमें कॉर्न, शिमला मिर्च, दोनों शिमला मिर्च डाल देंगे। ये देखिए ओरिगेनो है, इसमें थोड़ी सी ओरिगेनो फ्लेक्स थोड़ी सी इसमें डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले पास्ते में भी डाला हुआ है। इनको सॉटे करेंगे। हमारी सब्जियां बनके तैयार हो गई हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कि हमारा पास्ता उबल गया है, अब हम इसमें से जो उबला हुआ पानी है इस पास्ते का, हम वो एक कप में अलग से निकाल देंगे। मैंने ये सब्जी अलग से निकाल ली है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और उसी के साथ ही थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। और जो हमने आधा लहसुन उसमें सब्जियों में डाला था और आधा अब मैं इसमें डाल रही हूँ। लहसुन टॉस करना है अच्छे से, ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना है लहसुन को। ये लहसुन हमने थोड़ा सा इसको हिला लिया है। अब हम एक चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी फिर ज़्यादा थिक बनेगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा रेड नहीं करना, बस थोड़ा सा ही भूनना है मैदा। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी ओरिगैनो, इसी चिली फ्लेक्स, जो हमने वो पास्ता को उबला हुआ पानी रखा था वो अब मैं इसमें डालूंगी। देखिए अब ये हमारी जो पानी डाला था हमने मैदे में वो ठीक हो गया। अब हम इसमें अब एक कप दूध डालेंगे। दूध आप ठंडा ही डालिएगा, अगर गर्म डालोगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखिए हमारी सॉस को मैंने उबाला दिलवाया, अब ये धीरे धीरे थिक हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है, अब हम इसमें पास्ता डाल रहे हैं। हमने पास्ता डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही उबलने देंगे। और इसमें हम चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने नया पास्ता बन चुका है, अब हमने जो सब्जियां बनाई थी अब हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। देखिए अब हम इनको मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसे बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। तो खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।